अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बकर सदीक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का मैथमेटिक्स यानी कि मैट्रिक आर्ट्स का मैथमेटिक्स और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से और इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले 8 क्वेश्चन आज हम करना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करें तो आप कुछ बातें हैं जो आपको अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि मैथ्स करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है जो लोग प्रैक्टिस करने के आदि नहीं हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैथ मेरे करवा देने से आपको आ जाएगा। ये ज़रूर है कि मेरे करवाने से आपको समझ आएगा, लेकिन एक्चुअली मैथ आपको आना तब शुरू होगा जब आप उस मैथ को खुद प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास स्क्रीन में आप देख सकते हैं, हमारे पास पहले 8 क्वेश्चन है और मैंने लिखा है कि पहले 8 क्वेश्चन जो है वो सेम है और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो वो मैंने टिक लगाया हुआ है, यानी कि स्क्रीन क्वेश्चन 1, 2, 5, 7 और 8, ये क्वेश्चन आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और जो बाकी के बचने वाले 3 क्वेश्चन होंगे वो आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। और आज की वीडियो देखने के बाद आप पहले 8 क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सबसे पहले जो हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें एक वैल्यू दी हुई है जो वो हमें कहा गया कि px is equal to या p of x is equal to x की पावर 4 plus 3x square plus 3x square minus 5x and plus 9। सो बच्चा सबसे पहले चीज जो आपको मालूम करना, उसने क्या है कि पी एक्स को मालूम कीजिए, ये मालूम कीजिए, कब मालूम कीजिए, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। सो बेटा चूंकि एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है तो क्वेश्चन में जहां जहां पर हमारे पास एक्स मौजूद होगा हम वहां पर एक्स की प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। सो करते हैं जी, पी एक्स ये हमारे पास एक्स मौजूद है तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 0 is equal to, यहाँ पर हमारे पास x है तो हम put करेंगे 0 raised to power 4 plus उसके बाद 3 है हमारे पास, यहाँ पर x है, x की जगह put करेंगे 0 raised to power 2 minus 5, x की जगह पर हमारे पास 0 plus 9 as it is। So p into 0 is equal to, बेटा 0 एक ऐसा डिजिट होता है जिसकी जितनी बार ली जाए वो 0 ही रहता है, और दूसरी खूबी इसकी होती है कि 0 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए वो 0 हो जाता है। इट्स मीन 0 raised to power 4, तो 0 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे सो 0 आएगा, प्लस 0 raised to power 2 यानी 0 का स्क्वायर, 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये भी 0 आएगा, 0 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 minus 5 0s are 0 plus 9 as it is। So p into 0 is equal to, बेटा 0 की कोई वैल्यूज नहीं होती, 0 प्लस माइनस नहीं होते, सो ये 0, ये 0, ये 0, इनकी कोई वैल्यूज नहीं है, तो बच जाने वाला नंबर हमारे पास 9 है और ये हमारा आज का रिक्वायर्ड आंसर है। इसी पैटर्न पर चलते हुए अब हमें जो है मालूम करना है, अब हमें जो निकालनी है वो क्या चीज निकालनी है, पी एक्स भी मालूम करना है, यानी आपको पी ऑफ एक्स भी मालूम करना है, लेकिन इस बार जो है एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है, हमें 1 पुट करना है। सो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल वही वाला होगा, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर क्वेश्चन में एक्स मौजूद है वहां वहां पर इस बार 1 पुट करेंगे, पी के साथ हमारे पास एक्स मौजूद है यहाँ पर हम पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू, उसके बाद 1 एक्स पावर 4 है एक्स की जगह पे पुट करेंगे 1 रेज़ टू पावर 4 ऐसे ही, प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर है तो 1 एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे, स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस 5 एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा और प्लस का 9 एज इट इज आ जाएगा। सो बेटा p into 1, सो p ऑफ 1 को हम पढ़ेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1 रेज़ टू पावर 4, जैसे हमने 0 रेज़ टू पावर 4 यानी हमने क्या बताया, मैंने यहां पर आपको 0 रेज़ टू पावर 4 है तो 0 को 4 टाइम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। जैसे मैंने बताया 0 एक ऐसा नंबर है जिसको जितना ही मल्टीप्लाई किया जाए आंसर 0 ही आता है, सिमिलर पैटर्न से 1 एक ऐसा नंबर है जिसको जितने टाइम मल्टीप्लाई किया जाए वो 1 ही आ जाता है, 1 रेज़ टू पावर 4, 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 raised to power 2, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 1s are 3 minus 5 1s are 5 plus 9। So p into 1, p of 1 is equal to, बेटा ये वाला 1 प्लस का हमारे पास 3 प्लस का 4, 4 में 9 प्लस किए 13 और minus 5 as it is, so p of 1 is equal to 13 minus 5, so 8, ये आज का हमारा required answer हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की जाने। तो क्वेश्चन नंबर टू को बिल्कुल इसी पैटर्न से करना है, लेकिन इसको करवाना इसलिए मकसूद है कि इसमें जो ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किए, इसमें दो वैल्यूज फाइंड करना थी, एक जीरो के साथ और एक वन के साथ, दो पॉजिटिव नंबर थे। अब जो क्वेश्चन नंबर टू करवाने का मकसद है वो ये है कि इसमें जो आपको मालूम करना है वो पी ऑफ -2 फाइंड आउट करना है। सो माइनस होगा ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही, लेकिन -2 की पावर कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखेंगे हम लोग। सो हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर टू जो है वो है कि हमारे पास p into x या p of x that is equals to 2x raised to 2x की पावर 3 या 2 raised to 2x raised to power 3 plus 2x square my plus x and minus 1। सो बेटा हमें जो क्या करना है, हमें p into -2 जो है वो फाइंड आउट करना है। इट्स मीन कि हमें जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करना है बेटा, -2 को पुट करना है। सो p, ये हमारे पास x मौजूद रहा, यहां पर आएगा -2 is equals to ये 2 as it is आएगा, ये रहा हमारे पास x, यहां पर आएगा -2 raised to power 3 ऐसे प्लस ये आगे वाला 2 जो है हमारे पास ऐसे ही आएगा, यहां पर ये x रहा, यहां पर आएगा -2 raised to power 2 as it is प्लस ये हमारे पास x रहा, यहां पर आएगा -2 और ये -1 as it is। सो बेटा p into -2 या p of -2 is equals to बेटा सबसे पहले पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैं बाहर वाला नंबर जो है 2 as it is रख लेता हूं, -2 raised to power 3। सो बेटा इसको करने का तरीका क्या होगा, -2 raised to power 3। तो बेटा एक चीज याद कर लें कि जिस चीज की भी पावर लेनी होगी उस चीज को उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी बार लेना चाहते हैं। जैसे हमने -2 की पावर 3 लेनी है, सो -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि पावर की 3 लेनी है। सो बेटा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, सो आंसर आएगा माइनस में 2 2s are 4 4 2s are 8, सो वी गॉट -8 प्लस एज इट इज। ये वाला बाहर वाला 2 बेटा एज इट इज रखिए, सिमिलर पैटर्न से इसको सॉल्व करें, -2 रेस टू पावर 2 -2 रेस टू पावर 2 दैट मींस -2 मल्टीप्लाई बाय -2 सो माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4 सो वी गॉट +4। उसके बाद आगे आ जाए प्लस माइनस माइनस 2 एज इट इज -1 एज इट इज। सो बेटा आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को लेकर। तो क्या बना हमारे पास बेटा, p into -2 is equals to बेटा ये 2 into -8, तो 2 into -8 -16, but 2 into -8 plus -16 plus 2 4s are 8, उसके बाद minus 2 as it is -1 as it is। so p into -2 is equal to बेटा ये -16 है, ये -2 है, ये -1 है, माइनस वाले सिमिलर जो साइन वाले हैं ये आप उसमें ऐड कर लें, -16 में 2 किया, 18 में 1 किया, सो -19 प्लस 8 एज इट इज। सो p into -2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, इसको कर देना आपने माइनस है, लेकिन साइन हमेशा बड़ी अमाउंट का, सो बड़ा नंबर हमारे पास 19 है और 19 के साथ माइनस माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, 19 में से 8 निकाले तो 11, ये हमारा हो जाएगा बेटा रिक्वायर्ड आंसर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो बेसिकली क्या है, ओवर फॉर्म जरूर है लेकिन क्या होगा बेटा, आपके पास p into y या p of y is equal to 3y² plus y over 4 plus 9। सो जहां जहां पर हमारे पास क्वेश्चन में y होगा वहां पर 0 पुट कर देंगे क्योंकि आपको p of 0 फाइंड आउट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर चलेंगे तो उसमें भी आपको दो बार सॉल्व करना है, एक बार आपको p of 1 यानी कि p of 1 यानी कि p की जगह x की जगह पे 1 पुट करना है और दूसरी बार p of 2 यानी कि आपको x की जगह पर 2 पुट करके सॉल्व करना होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यहां तक आप क्वेश्चन को जो है वीडियो बेस्ट का जो स्नैपशॉट बना ले या इसको जो है आप दोबारा रिवीजन में वीडियो देखते हुए साथ-साथ राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास जो है बेटा जी ये बटा फॉर्म है जो 1/3 क्वेश्चन में था, तो वो अब जो क्वेश्चन 5 करवा रहा हूं बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा, तो आप इंशाल्लाह उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सो हमारे पास है p of x, सो p of x is equals to p of x is equal to x² - 5x plus 6 और ओवर में हमारे पास जो इसमें नंबर मौजूद है दैट इज x + 1।
सो बेटा हमें p ऑफ x ही मालूम करना है, पर कब मालूम करना है, एक बार जब आपके पास p ऑफ 1 होगा, यानी कि p यानी p ऑफ 1 इट्स मीन के हम यू कैन से बेटा x इक्वल टू 1 होगा, ये सब मालूम करना है। तो ये वही बात है जहां जहां पर सवाल में आपके पास x मौजूद है वहां वहां पर हम क्या पुट करेंगे 1। सो बेटा p आ गया, ये हमारे पास x मौजूद है यहां पर पुट करेंगे 1 is equal to, ये हमारे पास x आ गया यहां पर पुट करेंगे हम 1 स्क्वायर ऊपर वाला बेटा जो होगा वो as it is minus 5 x का पुट करेंगे 1 plus 6 as it is ऊपर में आ जाएंगे बेटा x के लिए पुट करेंगे 1 plus 1। सो बेटा ये p of 1 is equal to 1 raised to power 2, पहले भी बताया 1 ऐसा नंबर जिसको जितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 ही रहेगा। हां 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 raised to power 2 is equal to 1 minus 5 1s are 5 plus 6 over में 1 plus 1 so we got 2। सो p of 1 is equal to बेटा ये पॉजिटिव 6 में 1 प्लस किया 7 7 में से 5 निकाले 2 ओवर में 2 बेटा सो p of 1 is equal to 2 divided by 2 सो we got 1। ये हमारा इसका पहला आंसर हो जाएगा। अब हमें जो है इसी क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना है p of 2 कर यानी अब आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा कि p of 2 कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको आगे वाले क्वेश्चन भी करवाए उसके मुताबिक बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ जहां जहां पर हमारे पास जो है वो x होगा वहां वहां पर हम क्या पुट कर देंगे बेटा 2 पुट कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो निकल आएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर यू कैन से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आज हम करते हैं जी। अब नेक्स्ट जो है दैट वी हैव व्हाट PR या P of R is equal to 4 pi R square। So हमारे पास क्या है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है P of R is equal to 4 pi R square। 4 pi R square और आगे उसने कहा है कि आपके पास R is equal to 8 हो, R is equal to 8 हो और pi is equal to 22 यानी 22 बटा 7 हो, तो आपने P of R जो है वो क्या करना है बेटा फाइंड आउट करना है। तो सेम पैटर्न बेटा ही जैसे हमने यहां पर जो है p of 1 और p of 2 फाइंड करना सीखा है बिल्कुल उसी पैटर्न से हम लोग p of r करेंगे। सो p of r जो है वो हमें मालूम करना है। सो बेटा जहां पर वैल्यूज के वैल्यूज पुट कर देनी है जो आप जैसे जा फॉर एग्जांपल r की जगह पर r गिवन है 8 pi की जगह pi की वैल्यू पुट कर देनी है, यहां पे r की जगह अगेन r की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर ले लेना है हमने। सो बेटा हमारे पास p r की जगह आ जाएगा 8 is equals to 4 as it is beta pi ki jagah aayega 22 over 7 into beta r ki jagah pe aayega 8 aur uska square। so beta p of 8 is equals to 22 by 4 22 ko 4 se multiply kiya 4 2s are 8 over mein 7 aur next we have 64 to 8 8s are 64 in square of 8 jaise humne square of 1 solve kiya hai ye maine bataya aapko जिसकी बार जितनी होगी उस नंबर को उतनी बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सो आगे अब हमारे पास क्या मौजूद है बेटा अब ऊपर टॉप वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 88 मल्टीप्लाई बाय 64 4 8s are 32 3 कैरी 4 8s are 32 और 335 मल्टी क्रॉस आ जाएगा 6 8s are 48 सो 4 कैरी 6 8s are 48 और 452 सो वी गॉट 2 5 4 3 8 सॉरी 30 वन कैरी 302 5 4 1 6 एंड 5 सो वी गॉट 56 32। p of 8 is equals to 56 32 एंड वी हैव ओवर 7। सो अब हमने इस नंबर को 7 से डिवाइड जी क्या करेंगे हम लोग हमने करना है मल्टीप्लाई किया बेटा 88 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ये हम लोग जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे सो हमारे पास p ऑफ 8 का जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा वो भी ओवर फॉर्म में है, उसमें भी आपको दो बार सॉल्व करना है, एक बार p is y is equal to 2 पुट करना है और एक बार y is equal to minus 2 पुट करना है। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए इनको बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बाकी के जो पहले 8 में से क्वेश्चन बच जाएंगे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे, आपको इंशाल्लाह मैथ करने में मजा आएगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे जब चैनल सब्सक्राइब कर लें तो साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।